ग्वालियर जिला पंचायत सदस्य ने पुलिस अधीक्षक से पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ में शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री उन्हें लगातार कॉल करके धमका रही हैं। वह डबरा क्षेत्र से टिकट की मांग भी बंद करने की बात कर रही हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। पंचायत सदस्य ने नेहा परिहार ने कहा है कि मुझे राजनीति में लाने वाली इमरती देवी ही हैं, लेकिन मुझे जब भी राजनीति में लेकर आई थी तब उन्होंने इस तरह से बात नहीं की थी और अब वो अनर्गल बातें फैला रही हैं। मुझे और मेरे पति को लगातार धमकियां भी दी जा रही है। नेहा परिहार का पूरा परिवार दहशत में जी रहा है, इसलिए उन्होंने एसपी से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। ग्वालियर के एसपी ऑफिस में एसपी राजेश सिंह चंदेल ने उनसे ये आवेदन लेते हुए मामले की उचित जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समस्या ये है कि अभी सभी जगह ये विधानसभा का वो चल रहा है, तो 13 सदस्यों का सभी लोगों का इंटरव्यू लिया था भैया, तो जिला सदस्यों में जनप्रतिनिधि हूँ, तो मीडिया वाले आप लोग मेरे पे भी आए, मेरे से भी क्वेश्चन आंसर करा और नॉर्मली मैंने जो जवाब देना थे वो मैंने दिए। तो हमारी जो इमरती देवी हैं डबरा की पूर्व विधायक, उन्हें ऐसा लगा कि मैं दावेदारी कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे पति को धमकी दी कि तुम डबरा में रह के और मेरे खिलाफ तुम दावेदारी। ये एक जिला पंचायत सदस्य है, उन्होंने एक आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने बातचीत करने में उनको कहा हुआ है कि आप चुनाव मत लड़ो, उसके लिए धमकाया है। तो उनका जो आवेदन मिला है उसको पुलिस ने दिया है जाँच कर, उसमें एविडेंस लेके कार्रवाई करें। तो अच्छे रहे, मैंने स्टाफ के नहीं है परिवार के संबंध में, तो नॉर्मल वो चार्जे से मुझसे बोल सकती थी, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन अभी चार दो तीन दिन पुरानी घटना ऐसी बात को लेके फ़ोन आया था मेरे पास, तो मैंने कहा मंत्री जी आप उसको लड़के को, तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ जो झंडा उठा के चल रहा आप उसको छुड़वा लो। उन्होंने कहा नहीं, तू गृह मंत्री को फ़ोन लगा, तेरा गृह मंत्री छुड़वाएगा, तू आजकल गृह मंत्री के साथ तो वो तुम्हें छुड़वा नहीं चाहती, ऐसी कोई बात नहीं। बोले जिला पंचायत से भी तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है, तुम विरोध कर रहे हो मेरा। मैंने कहा बाकी जनता पार्टी में काम करता हूँ, मैं आपका विरोध क्यों करूँगी, मुझे वैसे ही पार्टी में हूँ और आपका तो मैं काम करूँगा, पहले भी किए, आपके चक्कर में मैं आज यहाँ पहुँचाऊँ तो मैं आपके लिए आपकी मदद करूँगा।